हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे। और अभी हो रहा है सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं उठ गई थी, और उठ के जो है ब्रश वगैरह करने के बाद जो है मैं इधर आया, सब्जी वगैरह काट ली थी। देखिए, आलू गोभी की सब्ज़ी बनानी है मुझे, भुजिया टाइप से बनानी है सब्जी। मैं मसाला बहुत कम यूज करती हूँ, तो सुबह के टाइम में पराठे के साथ ना सिंपल भुजिया और पराठा और चाय या भुजिया पराठा अच्छा लगता है हम लोगों को। तो यहाँ पे मैं सरसों के तेल में बनाऊँगी भुजिया। और आलू गोभी कट कर लिया था, ब्रश कर लिया था, और बिना ब्रश किए मैं किचन में जैसे कि नहीं आती हूँ सुबह में। ब्रश करने के बाद मैं नहाना पूजा तो नहीं हो पाएगा सुबह सुबह, क्योंकि बहुत जल्दी रहती है, बच्चों को छोड़ना रहता है, बनाना रहता है, तो इस वजह से मैं ना ब्रश ज़रूर कर लेती हूँ। यहाँ फ्रेश होने के बाद जो है मैं सब्ज़ी कट कर ली थी, और कट करने के बाद जो है मैं वीडियो स्टार्ट की हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी सब्ज़ी हो गई है। अच्छा, मैं लाल मिर्च वगैरह बहुत कम यूज करती हूँ, हरी मिर्च का ज़्यादा यूज करती हूँ। लाल मिर्च खाने से ना पेट में जलन होने लगता है इनके, तो इस वजह से मैं लाल मिर्च का कम यूज करती हूँ। तो यहाँ सरसों तेल डाल के बस जीरा डाला है, और उसके बाद हरी मिर्च डाल दी, और जब तक हरी मिर्च वो हो रहा है तब तक मैं अपने लिए चाय बना लूँगी। अपने लिए क्या, मैं इनके लिए भी रख दी थी चाय, लेकिन ये मना कर दिए कि मैंने कभी ले लेते हैं कभी नहीं भी लेते हैं, क्योंकि उनका 2 बार हो जाता है, और फिर नाश्ता करेंगे तो उस समय भी लेंगे, तो इस वजह से वो नहीं लिए। और यहाँ पर मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ फटाफट, और उधर मैं अपनी सब्जी छौंक दी। अच्छा, भुजिया में ना बस हल्दी और नमक पड़ता है, मसाले नहीं पड़ते हैं। यहाँ पर कम करके उसको अच्छे से भून लेंगे लाल होने तक, उसके बाद हल्दी नमक डाल के बंद कर देंगे, बस इतना ही करना है। और इधर जो है मैं बना लेती हूँ अदरक वाली चाय। अच्छा, मेरा थोड़ा सा मन कर रहा था कि मैं चाय पी लूँ, तो इस वजह से मैं रख रही थी, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं रहता। ये नहीं पीते तो अकेले पीने का चाय मन नहीं करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, सर्दी का मौसम आ गया है तो मन कर रहा था। और साथ के साथ इधर मैं कर लूँगी अपने लिए गर्म पानी, क्योंकि मैं अभी गर्म पानी नहीं की हूँ, और बीच में मुझे शांतनु को भी उठाना है, तो मैं पानी पीने से पहले उसको उठा दूँगी। और उसके बाद ये वाला देखिए, आज कल हॉल मेरा साफ रह रहा है, ये पता नहीं क्या हो गया, ऐसा कलर हो गया कैमरे का, देख सकते हैं आप लोग। और हॉल में ना बच्चे मतलब कम रह रहे हैं, सर्दी का मौसम में बेडरूम में ही रह रहे हैं, तो इस वजह से हॉल आजकल ना एकदम साफ क्लीन है, और इसे क्लीन कर ही देती हूँ मैं। आप लोगों ने देखा है मैं बहुत लगी रहती हूँ इसी में कि साफ रहे घर, बच्चे वाला घर है तो साफ सुथरा रहे। और यहाँ पर ना मैं शांतनु को उठाने गई, तब तक इनसे बात होने लगी, और चाय मेरी बन गई थी, तो मैं चाय बंद कर दी थी कि चलो अभी पी लेती हूँ, और तब तक फटाफट आटा गूँथ ली, क्योंकि आटा ना 10 मिनट फूला रहता है ना तो पराठे अच्छे बनते हैं, और पराठे सुबह के ही आटे के अच्छे लगते हैं, रात वाले आटे का पराठे बनाऊँ ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आटा थोड़ा सा ही गूँथना होता है तो मैं उसी टाइम गूँथती हूँ जब रोटी पराठे बनाने होते हैं, तभी गूँथ के रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी सब्जी भी एकदम बन के रेडी है, और इधर मैं अपनी चाय गर्म करके पहले थोड़ी सी ही चाय लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। तो यहाँ पर पहले मैं थोड़ी सी आधी कप चाय ले लेती हूँ। अच्छा, 2-3 बार जब चाय पीना होता है तो मैं ऐसे ही करती हूँ, और 2 बार से सुबह शाम लेना होता है तब मैं थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा चाय कप में ले लेती हूँ, लेकिन कई बारों में मैं फिर ऐसे ही करती हूँ, थोड़ा सा एकदम से चाय ले लेती हूँ। और अभी मैं चाय पी के आ गई, शांतनु अपना रेडी हो रहे हैं, तब मैं उसके लिए फटाफट पराठे बना लूँगी, और चाय बची है तो इसी चाय में फिर बन जाएगी, इनके लिए नाश्ते वाली चाय बना दूँगी। इधर दूध रख दिया, शांतनु को देना है दूध भी, मेरे बच्चे जैसे बताती हूँ कि पराठे वगैरह नहीं खा के जाते हैं, दूध ही पी के जाते हैं, तो यहाँ पे चलिए बना लेते हैं। और आजकल घी का जो जम जा रहा है, और घी भी बहुत थोड़ा सा है, मुझे घी निकालना है, तो अभी मैं घी भी निकालूंगी, और इसके बाद जो है आज तो नहीं निकालूंगी, देखती हूँ अभी आज नहीं मतलब नहीं निकाल पाऊँगी, थोड़ा सा ही इसमें बचा है तो मैं घी के पराठे। अच्छा, पहली रोटी जो तवे पर डालती हूँ, क्योंकि तवा मेरा धुला हुआ है, पहली रोटी जब डालूँगी ना तो पहली रोटी मैं बच्चों या किसी को नहीं देती हूँ, गाय या चिड़िया को ही देती हूँ पहली रोटी। तो मेरी पहली रोटी ऐसे सिंपल ही रहती है, उसके बाद मैंने यहाँ पे बना लिया उसके लिए 2-3 पराठे, और उसके बाद चली गई थी छोड़ने। आने के बाद जो है देवा को उठाया, देवा को भी नाश्ता वास्ता इनको भी दे दिया, देवा को भी दे दिया, और ये अभी हैं गए नहीं हैं, और तब तक मैं लगा ली इधर कपड़ा, क्योंकि कपड़े ज़्यादा हो गए थे, तो जब तक मैं बिस्तर वगैरह ठीक करूँगी तब तक मेरे कपड़े धुल जाएंगे, तो इसलिए लगा लिया। और यहाँ पे ये अपने मन का जो भी इनका म्यूजिक मतलब पसंद है वो चला रहे थे, और मैं यहाँ पे जो भी सामान था जैसे कि बेडरूम वगैरह का सब ठीक करने में लगी थी। तो बेडरूम में कम था, छोटे वाले रूम में ज़्यादा फैला
वाला है, तो मैंने कहा पहले इसको टीवी यूनिट को साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि टीवी यूनिट ना एक हफ्ते में पूरे अच्छे से साफ़ करना पड़ जाता है, और रोज़ तो हल्का सा मारना ही रहता है, क्योंकि ये ना एकदम गेट के सामने पड़ता है तो सफ़ेद है तो धूल वगैरह बहुत जल्दी जम जाता है। और हफ्ते में जैसे एक बार मैं अच्छे से ये सब हटा के और फिर कर देती हूँ। और इधर जो है ये बैठ के और वो जो कछुआ है ना उसको खाना खिला रहे थे, और उसके बाद अपना ये जाएंगे ऑफिस, रेडी हो गए हैं, मैं नाश्ता वास्ता करा दी हूँ। तो जब तक ये थे तब तक मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी, तो वो अपना काम कर रही थी और मैं इधर अपना काम कर रही थी। ये सब काम नहीं करती है, वो अपना ही काम करती है। तो यहाँ पर सारा टीवी यूनिट साफ़ करने के बाद जो है ये भी अपना जाने लगे। कछुआ भी बोले कि 5-10 मिनट उसको पानी में छोड़ देना, वो अपना थोड़ा रहेगा, 10 मिनट के बाद उसको निकाल देना। तो ये चले गए ऑफिस और अब मैं लग जाऊंगी अपने काम में। और ये एक दो पौधे गमलों में रखी हूँ ना, तो ये ऐसे ही डब्बों में लगा के रखती हूँ, तो इसको क्या करूँगी कि धूप दिखा दूँगी। और उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए इसमें ना कछुआ है, तो ये यहीं रख के वो चले गए, तो अब 10 मिनट बाद मैं इसको हटा दूँगी, ले जाके इसके जो बिस्तर है उस पर रख दूँगी, आराम से इधर करके इधर भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इस पर खाए पिए रहते हैं तो पूरा मतलब रोज़ गंदा हो जाता है, तो सुबह शाम तो साफ़ ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे टेबल साफ़ कर लूँगी, उसके बाद बेडरूम वगैरह करने के बाद मैं छोटे वाले रूम की कर लूँगी। बेडरूम में ज़्यादा नहीं था गंदा, और मैं यहाँ पे लगा रही थी माता रानी का भजन, क्योंकि भजन लगा के और मैं काम ना करती हूँ तो मन भी लगता है, भजन चलता रहता है और मेरे इधर काम भी मतलब होते रहते हैं। तो ये देखिए कछुआ का बेड कितना अच्छा है, और पूरा कमरा जो फैला के बच्चे रखते हैं कहीं कुछ तो सारे कमरों को, क्योंकि हेल्पर है ना तो वो अपना झाड़ू लगाएगी तो इधर उधर करके वैसे ही उठा के नहीं रखती है, तो मैं सारा सामान उसके जितने रास्ते में पड़ने वाले हैं सब पहले ही उठा के रख देती। ये मेरा डेली का ही काम है कि इतना करना है। और चादर गंदी हो गई थी तो चादर भी चेंज कर दी, क्योंकि इस रूम में ज़्यादा रह रहे हैं ना, तो इसी रूम का यूज हो रहा है आजकल सर्दियों का। और यहाँ पे देखिए सबके कपड़े पड़े हैं, तो सारे कपड़े भी उठा के जो है ले जाएंगे, ये कल धुलेंगे कपड़े। और उसके बाद ये नहाने धोने के बाद का टाइम है, हेल्पर चली गई थी तो मैं नहाने चली गई थी, और नहाने के बाद ही कर रही हूँ अभी पूजा। और पूजा में ये वाली जगह ना मैं उससे नहीं पूछवाती हूँ, ये वाला जगह मैं खुद से ही पोंछती हूँ, एक अलग से कपड़ा रखी हूँ और उसी से मैं ये भगवान जी की जगह जो है वो साफ़ करती हूँ। उसको मैं मना कर देती हूँ कि इतना दूर जो है पोछा झाड़ू ना लगाया करें। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ बर्तन वर्तन साफ़ करने के बाद जो है पूजा करने के लिए। अच्छा नाश्ता उसके बाद करूँगी, नाश्ता पानी, और उसके बाद जो है और जो काम रहते हैं कपड़े रखना या कुछ भी तो वो कर लेती हूँ। उसके बाद थोड़ी देर घर पे बात वगैरह होती है, तब तक फिर देवा को लेने के 1:15 बजे मैं चली जाती हूँ उसको लेने के लिए। तो दिन छोटा हो रहा है, पता नहीं चल रहा है सर्दियों का दिन का एकदम से इतना छोटा हो रहा है। और वीडियो की एंडिंग भी यही करते हैं, पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा।